नाम है नील और आप देख रहे हैं नील भाई डी। तो हम इस वीडियो में जानने वाले हैं कि आप अपने इंस्टाग्राम में दूसरा अकाउंट कैसे चला सकते हैं। मेरा मतलब है कि आप पहले से ऑलरेडी एक अकाउंट है और उसके बाद भी दूसरा अकाउंट बनाना चाहते हो और दोनों को यूज़ करना चाहते हो तो वो कैसे कर सकते हो, वही हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो मेरा वीडियो पूरी लास्ट तक ज़रूर देखना। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और बेल नोटिफिकेशन को ऑन नहीं किया तो प्लीज़ कर दीजिए, जिस वजह से हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलो गाइस वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको इंस्टाग्राम ओपन कर लेना है। हम यहां से आपको ओपन करके दिखा देते हैं। जैसे यहां ओपन करोगे तो आपको इस तरह से इंटरफेस आएगा। तो यहां आपको अपनी प्रोफाइल पर क्लिक कर लेना है, जैसे कि हम आपको दिखा देते हैं। तो आपको यहाँ आपको छोटी सी प्रोफाइल दिखाई दे रही होगी तो उस पर आपको क्लिक कॉल लेना है। हम यहाँ आपको दिखा देते हैं। तो यहाँ अपनी प्रोफाइल पर क्लिक कॉल लेना है। जैसे ही क्लिक करोगे तो आपको इस तरह से इंटरफेस आएगा। तो यहाँ आपका यूज़र नेम लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा तो उस पर आपको क्लिक कॉल लेना है। जैसे ही इस पर क्लिक करोगे तो आपको इस तरह से इंटरफेस आएगा। तो यहाँ आपको एक प्लस का आइकन का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा तो ऐड इंस्टाग्राम अकाउंट का, तो उस पर आपको क्लिक कर लेना है। जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ लॉग इन टू एक्सपर्ट अकाउंट, उसका मतलब है कि आप में जो पहले से दूसरा अकाउंट क्रिएट किया हुआ है तो वो कैसे ला सकते हो। और नीचे एक दूसरा अकाउंट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है कि क्रिएट न्यू अकाउंट, तो हमें क्रिएट न्यू अकाउंट अभी दूसरा बनाना है तो हम यही बनाने वाले हैं। तो उस पर आपको क्लिक कर लेना है। उसके बाद यहाँ आपको अपना यूज़र नेम सिलेक्ट कर लेना है, जैसे कि मेरा नाम नील है तो हम नील सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ देखते हैं कोई नाम आ रहा है तो हमारे ये नाम आ रहे हैं तो उसमें से आपको कोई भी सिलेक्ट कर लेना है। तो ध्यान रखना गाइस के यहाँ आपको यहाँ राइट का क्लिक होना चाहिए वरना आपका नाम नहीं सिलेक्ट होगा। तो आपको जो सजेशन दे उसमें से आपको सिलेक्ट कर लेना है। तो हम यहाँ क्रिएट फॉर पासवर्ड का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा तो आपको यहाँ क्रिएट फॉर पासवर्ड के ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है, जैसे कि हम आपको दिखा देते हैं। तो ये देखिए क्रिएट पासवर्ड इंस्टॉलेट का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा तो उस पर आपको क्लिक कर लेना है। और इधर आपको 6 डिजिट का न्यू पासवर्ड डालना है जो 6 डिजिट का होना चाहिए, जैसे कि हम यहाँ आपको पासवर्ड डाल के दिखा देते हैं। अभी पासवर्ड डाला है पर नहीं आ रहा है क्योंकि हमने 6 डिजिट का शायद नहीं डाला होगा तो यह पासवर्ड नहीं लग रहा है, इसलिए हमने 6 डिजिट से ज़्यादा का पासवर्ड डाल सकते हो पर 6 से कम नहीं डाल सकते, तो हमने डाल दिया है। अब गाइस हमें आपको नेक्स्ट का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा तो उस पर आपको क्लिक कर लेना है। जैसे क्लिक करोगे तो यह अपना मोबाइल नंबर ऑटोमेटिकली आ जाएगा जो हमें मोबाइल नंबर से लॉगिन करना है, तो वरना यहाँ से ईमेल आईडी से आप लॉगिन कर सकते हैं। तो हम यहाँ से आपको ईमेल आईडी से लॉगिन करके दिखा देते हैं। जैसे ही ईमेल आईडी पर लॉगिन हो जाए तो यहाँ आपको नेक्स्ट पर क्लिक कर लेना है। जैसे ही ईमेल आईडी डालोगे तो यहाँ देखिए से कंप्लीट सिंग अप का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, तो वेलकम टू इंस्टाग्राम एंड द नील YT61, तो यहाँ आपको क्लिक कर लेना है। जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ थोड़ा सा रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन रजिस्ट्रेशन हो रहा है तो हम थोड़ा सा वेट कर लेते हैं गाइस। तो वेट करने के बाद यहाँ से आपको इस तरह से इंटरफेस आएगा। तो यहाँ आपको फेसबुक गेट फेसबुक सजेशन का ऑप्शन आएगा, तो उसका मतलब है कि आपका जो फेसबुक अकाउंट है उसके फ्रेंड को कैसे रिक्वेस्ट भेज सकते हो या कितने फ्रेंड है, तो वही इस ऑप्शन पर दिखाएगा। तो हमें यहाँ नहीं क्लिक करना है जिस क्योंकि हमें किसी फ्रेंड को नहीं बुलाना, तो यहाँ आपको स्किप का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा तो उस पर क्लिक करोगे तो कोई फ्रेंड नहीं आएगा, हम बना लेंगे दूसरे। तो यहाँ फॉलो फ्रेंड का ऑप्शन दिखाई दे रहा हो तो उस पर भी आपको क्लिक नहीं करना, सिर्फ आपको स्किप पर क्लिक कर लेना है। जैसे ही स्किप पर क्लिक करोगे तो आपको इस तरह से इंटरफेस आएगा। तो यहाँ आपको दूसरा स्किप का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा तो आपको स्किप कर क्लिक कर लेना है। जैसे स्किप पर क्लिक करोगे तो आपको ऐड फ़ोटो का ऑप्शन आएगा, तो यहाँ से उसका मतलब है कि आप अपनी प्रोफाइल में जो भी फ़ोटो लगाना चाहते हो वो यहाँ से लगा सकते हो। आप स्किप भी कर सकते हो क्योंकि बाद में भी आप फ़ोटो लगा सकते हो। तो हम यहाँ से आपको फ़ोटो लगाकर भी दिखा देते हैं गाइस। तो फ़ोटो लगाने के लिए आपको ऐड फ़ोटो का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा तो उस पर आपको क्लिक कर लेना है। जैसे क्लिक करोगे तो इंस्टॉल फ्रॉम फेसबुक
टास्क फोटो चूज फॉर लाइब्रेरी। तो आप में जो फेसबुक में प्रोफाइल फोटो है वो लगाना चाहते हैं तो इंस्टेंट फ्रॉम फेसबुक पर क्लिक करना। आप तुरंत फोटो खींचना चाहते हो जैसे कि कैमरे से खींचते हैं वही उसी तरह, तो आपको टास्क फोटो पर वरना आपको चूज फ्रॉम गैलरी पर लाइब्रेरी पर क्लिक करोगे तो आपकी ऑटोमेटिकली गैलरी ओपन हो जाएगी। तो हमारी गैलरी ओपन हो चुकी है, अभी ये वाला फ़ोटो हम लगाकर आपको दिखा देते हैं। आप यहाँ से जूम आउट करके जितना फ़ोटो लगाना चाहते हो उतना रख सकते हो, जैसे कि हमने इतना चूज़ कर लिया। उसके बाद आपको यहाँ एक एरो का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा तो उस पर आपको क्लिक कर लेना है। जैसे क्लिक करोगे तो आपको इस तरह से इंटरफेस आएगा, प्रोफाइल फोटो एड्स एंड चूज फोटो। चूज फोटो पर जैसे क्लिक करोगे तो आपको फिर से वही ओपन हो जाएगा, पर हमें कुछ नहीं करना हो इसलिए आपको नेक्स्ट पर क्लिक कर लेना है। जैसे नेक्स्ट पर क्लिक करोगे तो आपको इस तरह से इंटरफेस आएगा कि नील वाइटी 61। तो यहाँ आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ आपको जिसको शेयर करना चाहते हो अपनी प्रोफाइल बना ली है वो तो आप शेयर प्रोफाइल पर क्लिक करके भेज सकते हो, वरना यहाँ से आपको स्किप का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा तो आपको यहाँ स्किप पर क्लिक कर लेना है। जैसे ही स्किप पर क्लिक करोगे तो हम देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ इस तरह से इंटरफेस आएगा, तो यहाँ आप किसी को भी फॉलो रिक्वेस्ट भेज सकते हो, वरना यहाँ आपको एक एरो का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा तो उस पर आपको क्लिक कर लेना है। जैसे ही क्लिक करोगे तो हमारा न्यू अकाउंट बनकर रेडी हो चुका है गाइस। अब जो आप अपनी इंस्टाग्राम में बायो लगाना चाहते हो तो यहाँ एडिट फॉर प्रोफाइल का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा तो उस पर आपको क्लिक कर लेना है। एडिट फॉर प्रोफाइल पर क्लिक करोगे तो यहाँ अवतार क्रिएट कर सकते हो, वरना यहाँ देखिए हमारा नाम लिखना है जो कि जो आपका फुल नेम हो। यहाँ आपको कोई भी कोड डालना नहीं पड़ेगा, वहाँ से अपना नाम ही आएगा। यहाँ पर्सनल का ऑप्शन है तो यहाँ से आप कोई भी कैटेगरी सिलेक्ट कर सकते हो। ये प्रोफेशनल अकाउंट कैसे बनाते हो, जो आपको भी प्रोफेशनल अकाउंट बनाना है तो मेरी वीडियो में पड़ा हुआ है तो हमारी वीडियो ज़रूर से देख लेना। तो यहाँ से आप और यहाँ से आप प्रोफाइल फ़ोटो चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से आपको एडिट प्रोफाइल पर क्लिक कर लेना है। जैसे क्लिक करोगे तो एडिट पिक्चर एंड अवतार का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा गाइस। तो यहाँ से आपको चूज़ करके यहाँ से आपको न्यू प्रोफाइल पिक्चर का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा तो उस पर क्लिक करके यहाँ से आप फोटो चेंज भी कर सकते हो। तो जैसे ही मैं यहाँ से आप ऐसे आओगे तो यहाँ आपको नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। जैसे ही नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो यहाँ थोड़ा सा वेट कर लेना है, उसके बाद ऑटोमेटिकली अपना फ़ोटो चेंज हो जाएगा गाइस। तो हम अभी दूसरा अकाउंट कैसे ला सकते हो वही सिखाते हैं। तो यहाँ आपको फिर से यहाँ आपका नील आपका जो भी अकाउंट का नाम है उसके साइड में एक एरो होगा छोटा सा, तो उस पर आपको क्लिक करना है। जैसे क्लिक करोगे तो आपको इस तरह से इंटरफेस आएगा। तो हमें ये वाला अकाउंट निकालना है तो अभी सिर्फ आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ उस पर क्लिक करना है। जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ से आपका अकाउंट जो भी होगा वो खुल जाएगा पुराने वाला। तो हमारी वीडियो देखकर आपको भी दूसरा अकाउंट कैसे क्रिएट कर सकते हो या फिर दूसरा अकाउंट कैसे स्विच कर सकते हो या प्रोफाइल फ़ोटो कैसे चेंज कर सकते हो वो तीनों प्रोसेस हमें एक ही वीडियो में बताई है। आई होप हमारी वीडियो पसंद आई होगी आपको। जो आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना ना भूलें, जिस वजह से हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। बाय बाय गाइस, मिलते हैं अगली वीडियो।